कहानी एक ऐसे घर से जहाँ शादी का माहौल है, लेकिन टेंशन और शांति इतनी कि शादी का घर किसी जंग के मैदान जैसा दिख रहा था। अरे जैसा मर्जी डेकोरेशन कर दो, पैसों की चिंता मत करो। इतना पैसा जब लड़के वालों को दे दिया तो फूल वालों को देने में मुझे क्या दिक्कत है। अरे धीरे बोलो ना, साफ लग रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हो। अरे तुम तो चुप ही रहो, एक बेटी संभाल नहीं पाई। सारा दिन मैं काम पर जाता था, सोचता था घर पर बच्चों को अच्छे से संस्कार मिल रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैडम को तो अपनी किटी और फैशन से फुर्सत मिले तब ना। माँ चुपचाप वहाँ से चली जाती है। समझ में नहीं आता कि आखिर शर्मा खानदान में हो क्या रहा है। कल तक चिड़िया से फुदकने वाली शीना की शादी यूं अचानक एक मोटे काले लड़के से क्यों हो रही है। शीना कमरे में हाथ में गुड़िया लिए बोलती है, मेरे साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तुम तो सब जानती हो, साहिल मेरे लिए भगवान है। अब जब वो ही नहीं मिला तो फिर कोई भी हो, जिंदगी ही तो जीनी है, जी लेंगे। बाहर शीना की बुआ किसी से बात करती है। अरे मोटा नहीं, उसे तो खाते पीते घर का कहते हैं। अब ओबेरॉय का नाम भी किसी को बताने वाली बात है। उनका इकलौता लड़का तो करोड़ों की स्वामी तो है ही। अरे हमारी शीना बिटिया तो रानी बनेगी, रानी। इन सब के बीच कहीं कोने पर शीना हाथ में मेहंदी सजाए बैठी थी और आंखों में आंसू सजाए। और वो समय भी आ जाता है जब शीना मंडप के नीचे हाथ में वरमाला लिए खड़ी होती है, लेकिन तभी अफरा तफरी मच जाती है। कोई कहता है, अरे लड़के की माँ को हार्ट अटैक आ गया। अरे अच्छी खासी थी, कैसे हो गया। अरे कहते हैं ना, किसी किसी लड़की के पैर अच्छे नहीं होते, हो सकता है कि मनहूस है ये लड़की। शीना पास खड़ी सब सुन रही थी। फिर शीना अपने कमरे में आ जाती है। शादी ये कहकर नहीं होती कि लड़की मनहूस है। अब लगातार शीना के लिए लड़के देखने आते, लेकिन आस पड़ोस या किसी के कहने पर शादी हर बार टूट जाती। लेकिन एक दिन, अंकल मैं काफी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अरे बेटा हिम्मत तो हमारी टूटी पड़ी है। वैसे कौन हो तुम। मेरा नाम साहिल है अंकल, मैं शीना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे अब तो किस जात के हो ये भी मायने नहीं रखता। बेटा मेरी बेटी मनहूस है, ये सब कहते हैं कि इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही। अगर तुम शादी करने को तैयार हो तो ठीक है। शीना की शादी साहिल से हो जाती है। अगले दिन साहिल की माँ का देहांत हो जाता है और एक बार फिर लोग शीना को अपशकुनी कहने लगते हैं। अरे खा गई दीदी को ये, अरे क्या जरूरत थी साहिल किसी मनहूस को घर लाने की। पर बुआ माँ की तो तबीयत पिछले कई साल से खराब थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, क्या पता ये भी उनका सौभाग्य हो कि वो बहू का मुंह देख पाई। अरे बहू का मुंह देख पाई या ये कह लो कि बहू का मुंह देखते ही स्वर्ग लोक सिधार गई। अबे क्या घर तुम्हारा है, हम तो चले। अब शीना को खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं सच में वो अपशकुनी तो नहीं। साहिल हम दोनों की शादी नहीं हुई होती तो अच्छा था, देखो ना कैसे पहले मेरी शादी टूटती थी और अब तुम्हारी माँ भी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता शीना, अपशकुनी वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब तो ईश्वर के खेल है। वो शादी तुम्हारी इसलिए टूट गई क्योंकि तुमको मेरी पत्नी बनाना था और माँ का जाना तो तय था, वो काफी बुजुर्ग थी, साथ ही एक ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसमें डॉक्टर्स भी उन्हें नहीं बचा पाते। शीना साहिल की बात सुनकर
तसल्ली कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शीना, अरे ओ शीना, क्या हुआ? कहीं फिर मेरी वजह से कोई नुकसान? अरे नहीं नहीं शीना, तुम जानती हो जिस प्रॉपर्टी के केस को हम बरसों से लड़ रहे थे उस पर फैसला आ गया, वो भी हमारे हक में। अब हम करोड़पति हो गए शीना। शीना शांत रहती है। अरे क्या हुआ, करोड़ पत्नी बनकर तुमको खुशी नहीं हुई? शीना की आंखों में पानी आ जाता है। चलिए जी, कुछ तो अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में आकर आपके साथ। साहिल शीना को गले लगाकर कहता है, मेरी नई नौकरी भी तुम्हारे ही आने से लगी। ये प्रॉपर्टी का केस जीता, सब कुछ तो तुम्हारे आने के बाद ही हुआ, पर तुम मनहूस कैसे? ये सुनकर शीना खुश हो जाती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करें ताकि कोई भी हमारी वीडियो न छूट जाए।